गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग 46वीं बीपीएससी का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, वो इससे पहले हम 80 नंबर तक आ गए थे, तो उसे आगे बढ़ते हैं। तो 80 नंबर में क्या क्वेश्चन था कि देखिए, यही है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो वो थे चंद्रगुप्त, मतलब चंद्रगुप्त कौन, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। और कहाँ मिलता है, तो दो तमिल ग्रंथ, कहाँ है, तो अहनानूर और मुरनानूर में यह उल्लेख है। क्या, अहनानूर और मुरनानूर में यह मिलता है। और वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, अगर वित्त बिल संसद लोकसभा में अगर पेश करना है तो कौन बताएगा कि इसको पेश किया जाए कि न किया जाए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी का नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी पूर्व स्वीकृति होती है। किसकी, तो ये वित्त बिल की बात हो रही है। और 82 नंबर, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। हर कोई जानता है राज्यसभा है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहाँ, तो 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य अध्यक्ष बने सभापति होंगे। और पुनः अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विधि दिया गया है, कहाँ, तो आर्टिकल 61 में। और 62 में यह स्पष्ट किया गया है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, 73वें नंबर, ये हर कोई क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है पंचायती राज अधिनियम। और पंचायती राज अधिनियम कब आया था, तो 1992 को ये आया था, यानी उस दिन ये पास कर हो गया। कौन, तो 73वां संविधान संशोधन। और इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, कौनवी अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या कितनी, तो 12 है। और इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान है, और पंचायतों को अधिकार कितने हैं, तो 29 प्रकार के अधिकार दिए गए, यानी 29 विषय में उनको अधिकार दिए गए हैं। और 84 नंबर, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने को अधिकारी कौन नहीं होता है, मतलब बात हो रहा है कि लोकसभा के कार्यवाही में कौन भाग नहीं लेता है। तो CAG भारत का महालेखा, हाँ, लेता है। भारत का अटॉर्नी जनरल, ये भी लेता है। भारत के राष्ट्रपति का सचिव, तो ये लोकसभा में, तो देखिए इसमें भारत के लोकसभा में कौन कौन भाग लेता है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ये भाग ले सकता है। तो आप बताइए इसमें कौन बचता है, एक ये सोलिसिटर जनरल, ये तो उसको सहायक होते हैं, तो यह भी भाग लेगा। और भारत के राष्ट्रपति के सचिव, जब राष्ट्रपति आएंगे तो उनके साथ सचिव भी आएंगे, तो वो भी भाग लेंगे। तो अब बताइए, ऐसा कोई नहीं है, यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसके अगर कहा जाए इसमें सभी के सभी भाग लेते हैं। और चार पदों में से केवल भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक तथा अटॉर्नी जनरल पर ही ये सब संवैधानिक पद हैं। कौन कौन, दो, तो CAG और अटॉर्नी जनरल, ये दोनों संवैधानिक पद हैं, यानी इनका वर्णन कहाँ मिलता है हम लोग को, तो आर्टिकल 76 और 148 में। तो परीक्षा, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के पदों का, मतलब CAG का कहाँ मिलेगा, तो 148 से 151 तक, कहाँ किनका वर्णन है, तो CAG का, यानी महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का वर्णन है। और इन अनुच्छेदों में कहीं यह नहीं कहा गया है कि वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतलब लिखा नहीं गया है। अटॉर्नी जनरल के पद, तो अटॉर्नी जनरल ये कहाँ इसका वर्णन है, तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन मिलता है। 76, 78 तथा अनुच्छेद 105 में भी अटॉर्नी जनरल का वर्णन है। तो अटॉर्नी जनरल ये अभी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदस्य में भाग, यानी कार्यवाही में भाग लेने या संसद में की बैठक में बोलने का अधिकार है। तो उसे प्रस्ताव केवल इन लोगों का अंदर के आगे लोग मत नहीं दे सकते हैं किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में। और शेष दो पद शासकीय या संविधानेतर पद है, मतलब ये सोलिसिटर जनरल, महान्यायाधिकर्ता और भारत के राष्ट्रपति के सचिव, ये दोनों संविधान में इन लोगों का वर्णन नहीं है। ये शासकीय पदाधिकारियों को संसद की कार्यवाही में लेने का अधिकार नहीं है। मतलब इसके अनुसार क्या हो गया कि ये दो जो हैं, ये दो को कहा जाए कि ये दोनों इन लोगों को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है, और उत्तर इसका गलत होगा। किस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो हर कोई जानता है कौन, तो भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 76वां संविधान संशोधन, सॉरी 76वां नहीं ना, ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, ये कब हुआ था, तो ये आपातकाल के समय लागू हुआ था, और कब, तो स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर लागू किया गया था, और इसमें 1976 द्वारा संविधान में क्या क्या हो गया, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो ये दोनों शुरू में ही जोड़ा गया है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भी जोड़े, मैंने कुल 4 शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, कौन सी लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुए थे, अब तो इस बार तो 7 चरणों में हुआ था, 16वीं, ये पुराना क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 का संबंध किस से था, तो ये जम्मू कश्मीर से था, और ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देता था। और निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति, तो अब तक तो एकमात्र यही है कि राजेंद्र प्रसाद, लेकिन 2 बार उपराष्ट्रपति रहा है, कौन व्यक्ति, तो पहले वाले भी उपराष्ट्रपति, तो उनका नाम क्या था, डॉक्टर राधाकृष्णन, और वर्तमान इससे पहले कौन, तो हामिद अंसारी, ये दोनों 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो बोलिए, तो अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का क्रम, तो अभी पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी जी का क्रम, तो ये 14वें थे, तो इसके बाद मोदी जी थे 15वें क्रम पर, और कहा जाए तो ये 2 बार रह गए थे, तो क्या होगा, मनमोहन सिंह प्रधान, भारतीय प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में मनमोहन सिंह का नंबर कैमा था, तो 17वां नंबर था, कैमा मतलब इतना व्यक्ति बन चुका है, तो मोदी का नंबर कैमा होगा 18वां नंबर होगा, लेकिन इस पद को संभालने वाले व्यक्ति तो मनमोहन सिंह से 14वें और मोदी जी होंगे 15वें, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में 1905 ईस्वी में विभाजित हो गया था, कौन, तो बंगाल, इसको वो लोग भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर विभाजित किए थे, जिसके विरोध के फलस्वरूप में दोबारा विभाजन हुआ था, कब, तो ये 1911 की बात है, क्योंकि उस बार जो पहले का बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है और फिर से विभाजन होता है, और इस बार बिहार और उड़ीसा इन लोगों को एक अलग सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है, और जिसकी राजधानी क्या होती है, तो पटना। और निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था, तो कौन, तो है लॉर्ड हार्डिंग, यानी ये उस समय के गवर्नर, मतलब इन्होंने गदर पार्टी का दमन किया था, ये बात वही है। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर के जलियावाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, कब हुआ था, तो ये बात है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, तो जलियावाला नरसंहार हुआ था, कौन, तो जनरल डायर ने किया था, किसके कहने पर, तो जनरल ओ डायर के कहने पर। आगे बढ़ते हैं, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुई, तो यह गांधी इरविन समझौता के कारण ही तो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गई हुई थी ना, तो अब क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो केवल 2 में भाग लिया, न पहले में गया न ही तीसरे में गया, पहले में वो लोग जेल में थे और तीसरे को लोगों ने बहिष्कार कर दिए। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैरकानूनी करार दिया गया था, कांग्रेस उस समय बार बार गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता था, तो आदेश क्या था, तो उसका नाम था गैरकानूनी संघ अध्यादेश, क्या नाम है, गैरकानूनी संघ अध्यादेश, और ये क्या क्वेश्चन था, तो 95 नंबर। तो 4 जनवरी 1932 को गैरकानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस तथा उसके सहयोगी संगठन को अवैध घोषित कर दिया गया तथा उनके भवन कार्यालय तथा संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था, मतलब इससे पहले कौन था, तो असहयोग था। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे, तो ये हैं चार्ल्स एंड्रूस, रेवरंड
चार्ली एंड्रयूज, या हम लोग पढ़ते हैं इनको सी एफ एंड्रयूज, यही ना है। हाँ, तो स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के समय उनके एक अंग्रेजी मित्र थे, उनका नाम क्या था? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज और भी थे। और 77 नंबर 97, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो पहले और एकमात्र थे, यानी लास्ट भी यही थे, तो सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। संविधान के लागू होने के साथ गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया गया। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, कब? तो अप्रैल से मई 1947 में। निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। ये कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब जापानियों के खिलाफ थे, यानी कहा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, तो कौन? यही हैं जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब है निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन, तो वो अहिंसा का उल्लंघन था। ये महात्मा गांधी के शब्दों में, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के पुजारी थे, और गांधी जी के समाजवाद का अर्थ था क्या? तो सर्वोदय। और गांधी जी ने कहा, अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो तो मानवता को न्याय नहीं मिलेगा और जगह जगह ही अत्याचार होगा। तो इसके अनुसार सबसे सटीक उत्तर तो अहिंसा है। 100 नंबर, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 से निर्मित हुआ था। तो कौन होंगे जो उसमें गवर्नर जनरल रहा होगा? तो ये हैं लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम था, उसके संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भवन पर आतंकवादी हमला, ये पुराना हो गया, पेंटागन। अब आएगा क्वेश्चन कि ऑपरेशन काइला म्यूरर किससे संबंधित है? तो ये लोग जो अब्दुल बकर अल बगदादी को मारे थे वो इसी से संबंधित था। और यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, कब? तो कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में, कब? तो 24 अक्टूबर। और उन्हें दिन क्या था? 24 अक्टूबर तो दिन हो गया और साल था तो 1947। क्लियर है? और इसका आधार क्या है? पहले देखते हैं हम लोग कि हुआ क्या था। कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 मार्च 1947 को सोवियत संघ, ब्रिटेन और तथा चीनी गणराज्य की ओर से माल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। यानी ये क्या है? मैनुअल, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान बनाया गया, और जिसे क्या कहा गया? तो यह जिसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहा गया। और वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में नाटो में अब 29 सदस्य हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि पहले क्रोएशिया अंतिम था, लेकिन अब होगा नॉर्थ मैसेडोनिया इसका अंतिम सदस्य होगा, यानी सबसे नया, तो 29वां होगा। और 104 नंबर, सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो दिसंबर 1991 में, महत्वपूर्ण नहीं है अब। आगे 105, साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है? अभी तो अभी हैं जी सिंह पिंग। और 106 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, उनका नाम था फोर्ड। क्या नाम था? तो फोर्ड, क्योंकि उस समय एक विवाद हो गया था। क्या विवाद हुआ था? कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जिराल्ड फोर्ड अपने देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो कभी न तो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और न ही उपराष्ट्रपति पद के लिए। वास्तव में स्पीरो एंगन्यू के द्वारा उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देने के बाद फोर्ड को तत्कालिक राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका? तो रिचर्ड निक्सन द्वारा अमेरिकी संसद कांग्रेस की सहमति से उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया था।
अब उसके बाद क्या हो जाता है, चर्चित वाटर गेट कांड हो जाता है। क्या? वाटर गेट कांड, और जिसके कारण ये निक्सन राष्ट्रपति थे, इनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो अब क्या होगा, जब ये इस्तीफा दे देते हैं तो स्वतः अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। कौन? तो यही फोर्ड बन गए थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अस्थायी मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग, वो पीस पैलेस में है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्पेशल इकाई है। हिंदी हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन यानी हिमत क्षेत्र छेस के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। वो इंडियन ओशियन की बात हो रहा है, इंडियन ओसी इंडियन रिम एसोसिएशन, तो मार्च 1997 में, कितना, तो मार्च 1997 में। और क्या नाम था इसका, तो IORARC यानी हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र, हिंद महासागर रिम ओसी एसोसिएशन में स्थित राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग संवर्धन के उद्देश्य से हिमत छेस की औपचारिक स्थापना की घोषणा हुई थी। और 5 मार्च 1997 को मॉरिशस में पोर्ट लुई में संस्थापक राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक की गई थी। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं एपेक, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप, मतलब क्या होता है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ बसे हुए देश, उसी तरह ये शुरू हुआ था। क्या कि हिंद महासागर के ये तट के आर साइड बसे हुए देश हैं, उनका एक संगठन बनाया जाए। और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो 18 मई 1974 को, ये पहला था, और इसका थीम था ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा है तो जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और 110 नंबर, यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो अभी 193 हैं। और सबसे लास्ट कौन है, तो दक्षिण सूडान है। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में, और कौन कौन थे, तो पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, अहिर कारीगर या शिल्पी, सैनिक दूसरा निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। तो कुल कितने, तो 7 थे। और 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, तो 2 जगह। पहला कहाँ मिलेगा, तो अंगुतर निकाय, ये क्या है, तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और ज्वाइन ग्रंथ कौन है, तो उसका नाम है भगवती सूत्र, तो उसमें भी 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, तो सीता भूमि का अभिप्राय होगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, या कहें तो उसको कहा जाता है सरकारी भूमि। तो इसके लिए इस पर विवाद हो गया था और ये उत्तर गलत माना गया। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चला है, मतलब कि हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहा है, तो कहाँ मिला है, तो धौलावीरा में सबसे उन्नतकालीन जल प्रणाली मिला है। तो धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सिंधुकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी पता चला है। धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तर पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है। कौन? तो धौलावीरा। और आगे बढ़ते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ए बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए बताया है, ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो मदद ए मास मतलब क्या, इसका मतलब होगा कि अनुदान दी जाती थी कैसे, तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दी जाती थी, और इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी, मतलब कि प्राय वो बंजर जमीन ही किसी को उदान में दे देते थे। तो मतलब विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। और 117 नंबर, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया, तो यही है अब्दुल समद ने किया था। तो हमजनामा क्या है, तो ये मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है, और इसे दास्तान ए अमीर हमजा भी कहा जाता है। इसमें कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। और कौन बनाया, तो मुख्य रूप से अब्दुल समद ने। और 118 नंबर, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था, सल्तनत काल की बात हो रही है, तो चौधरी होता था।
तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन? तो चौधरी था। और सल्तनत काल में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था, जिसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था पहली बार जिसने भूमि की पैमाश कराई मतलब माप कराया एवं भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया था। 1906 में 119 नंबर 1906 में मिंटोर से शिमला में किसे मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। मतलब बात यह है यहाँ पर कि 1906 में मिंटो से कुछ मुसलमान मिले थे शिष्टमंडल और उस लोगों ने क्या बनाया था, तो बाद में ये मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और कहा जाता है कि यहीं से एक पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम राष्ट्र का बीजारोपण हुआ था। तो मुसलमान इन लोगों का मांग क्या था, तो वही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल मतलब वहाँ मुसलमान ही खड़ा होंगी और केवल मुसलमान ही उस क्षेत्र में वोट करेंगे। और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। समय क्या हो गया था, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान नेतृत्व करता थे और एक शिष्टमंडल वायसराय तत्कालीन यानी मिंटो से मिलता है और केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग करता है। और वे लोग ये मिंटो तो चाह ही रहे थे कि कोई मांग करे, और तो इन्होंने तत्कालीन आश्वासन दे दिया और स्वीकार भी कर लिया। और नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत दिया गया था कब, तो 1853 की बात है। तो 1853 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर कौन है का उसमें, तो लॉर्ड डलहौजी का काल है के चार्टर अधिनियम के जरिए ICS पदों पर चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा का संचालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। और 121 नंबर एक कथन है और उसका कारण होगा, तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शालाओं में से 7 तटरेखा पर स्थित है। और दूसरा देखते हैं क्या है यहाँ पर, तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। हाँ, तो ये दोनों बात सही है इसमें। और वर्ष 2001 नहीं, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो आगे तो क्या है इसमें कि देख लेते हैं, दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से का मनन कीजिए। कृषि व्यापार की बात कर रहा है, तो भारत के कुल आयात में कृषि आयात का योगदान लगभग 12% रहा है। नहीं, कृषि आयात बहुत कम होता है। भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान, हाँ ये तो सही है, अधिक है, अभी भी 50% अधिक है। भारत के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा है। नहीं, ये तो और ज़्यादा है। भारत के कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23, हाँ ये ठीक बात है, अभी भी प्रेजेंट में भी लगभग ये 20% है, तो यानी दूसरा और चौथा आज भी सही है। और 123 नंबर, अगर हम यहाँ पर 2011 लिख दें जनसंख्या, तब तो देखते हैं क्या होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। मतलब इसमें हमको ये देखना है कि अवरोही क्रम की बात हो रहा है, मतलब कि सबसे घना कौन है और सबसे कम घना आबाद कौन है। तो आज भी इन लोगों में कोई खास चेंज नहीं हुआ है, यानी पंजाब सबसे अधिक घना आबाद क्षेत्र है, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है, तब हरियाणा और महाराष्ट्र। और आगे बढ़ते हैं, बिहार में भौतिक विभागों से आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। बिहार के भौतिक विभाजन की बात करा, तो छोटा नागपुर का पठार तो झारखंड में चला गया, तो अभी भी उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान, तराई क्षेत्र और सोमेश्वर की पहाड़ी, छोटा सा दक्षिण में ये बराबर या गया के पठारी भाग, ये सब हैं, लेकिन छोटा नागपुर का पठार बिहार में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदी या गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। मतलब ये बात हो रहा है कि उत्तर मतलब क्या है, हिमालय, हिमालय से आकर कौन कौन मिलता है, तो देखते हैं, हाँ गंडक मिलता है, कमला मिलती है, बागमती मिलती है, जबकि अभी देखिए इसमें कोसी, पुनपुन, ये दोनों साउथ से भी आकर मिलते हैं, और यहाँ भी वही, इसमें भी कोसी है, ये भी साउथ से, कर्मनाशा भी साउथ से, लेकिन महानंदा नॉर्थ से मिलती है, बागमती नॉर्थ से, सोन ये कहाँ से मिलेगी, तो सोन भी साउथ से मिलेगा, लेकिन कोसी, हाँ सॉरी, कोसी तो नॉर्थ से नहीं मिलती है, कोसी ना बिहार के शोक है, बदनाम है, और उत्तर कोयल ये भी साउथ से आकर यहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो बांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलेगी, तो यही है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में।
और हम लोग देखते हैं कि बांगर मतलब क्या। जैसे कि मान लीजिए कि अपना एक नदी हो गया, इसका जो नया जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी। उसके बाद वाले क्षेत्र जहाँ पर पहले बाढ़ आता था लेकिन अब नहीं उतने आते हैं, अब यहाँ पर रोज़ नई मिट्टी, हर साल नई मिट्टी नहीं आती, उसको क्या कहेंगे, जो पहले खादर सबसे उपजाऊ उससे कम बांगर, बांगर के बाद क्या क्षेत्र आता है, तो बांगर के बाद तराई बेल्ट आती है, और यानी मार्सी लैंड है तराई, और उसके बाद तराई में केवल पानी ही पानी रहता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा क्षेत्र रहता है जो पहाड़ का फुट हिल्स रहता है, वहाँ पर पहाड़ पर से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर आते हैं जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको भाभर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर में क्या है, बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए, मनन कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या विचार करना है, कुछ दिया ही नहीं है। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित है। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान नॉर्थ, ये तो गलत बात है, ये तो 56,000 किलोमीटर में, चलिए तो गलत हो गया। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, हाँ तो किशनगंज प्राप्त करता है, तो हाँ ये भी सही है, दूसरा सही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2461 किलोमीटर है, नहीं अब तो बहुत अधिक हो गया है, तो अभी के अनुसार प्रेजेंट में अगर क्वेश्चन ये आता तो इसका मात्र तीसरा सही होता। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सूची एक खनिजों की सूची दी गई है और उसे सह संबंधित कीजिए उसको कि ये कौन कहाँ मिलता है, तो देखते हैं। तो बिहार में स्वर्ण, तो सोना कहाँ मिलता है, तो गया में, ऐसा कहा गया है कि नहीं गया में नहीं सोना होगा, सोना होगा मुंगेर की बात हो रही है, तो सोना कहाँ मिलेगा, तो मुंगेर में, या इसको हम देख लेते हैं इधर ठीक से। तो डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ मिलेगा, अगर आपको मान लीजिए कोई न पता है लेकिन हमें पता है कि डोलोमाइट कहाँ मिलेगा, तो वो रोहतास में मिलेगी, तो C का 4, तो C का 4 कौन है, इसमें एकमात्र ही तो C का 4 है, C का 4 एक, यही सही होगा, यानी डोलोमाइट कहाँ, तो रोहतास में, और पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, तो एक किशनगंज में, क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक नंबर, तो अभ्रक, तो अभ्रक कहाँ मिलता है, कोडरमा, क्यों कोडरमा झारखंड में, दूसरा सटा कौन, तो अपना गया है, और स्वर्ण कहाँ, तो मुंगेर में, तो इसी हिसाब से उत्तर इसका कौन, तो सी सही है। और आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, बिहार में सूची एक और दो फिर मिलाइए, नगर है, कागज एवं लुगदी उद्योग, सिगरेट उद्योग, प्लाईवुड और जूट, तो हम लोग जानते हैं जूट कहाँ मिलता है, तो पूर्णिया में, प्लाईवुड फैक्ट्री हाजीपुर में, तो सिगरेट, तो ये सिगरेट है तो दिलवारपुर में, और कागज एवं लुगदी तो ये डालमिया नगर, तो सही है। आगे बढ़ते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार, नहीं अब 11 होगा, कि अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है, मतलब अवरोही क्रम है, मतलब कह रहा है घटते हुए क्रम में, तो देखते हैं। तो सबसे अधिक आबादी कहाँ है बिहार में अभी, तो बिहार में प्रजेंट में 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, तो पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण का नाम आता है, तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, यही होगा सही है। आगे बढ़ते हैं 130 तो हो गया, कौन सी आर्थिक असमानता में नहीं आता है, तो आर्थिक असमानता में कौन नहीं आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि आर्थिक अधिसंरचना में सड़क आएगा, अधिसंरचना की असमानता, अधिसंरचना में रेलवे भी आएगा, ऊर्जा आएगा, और दूर संचार, ये सब संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब आर्थिक अधिसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। और 142 नंबर में क्या है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, क्या कि सामाजिक अधिसंरचना में, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, तार संचार और आवास, तो सामाजिक अवसंरचना में तार संचार न शामिल होगी, तो 142 नंबर, तो 142 का उत्तर कौन होते हैं, सी, क्योंकि यही सबसे अलग है कि आर्थिक अवसंरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास तो आएंगे लेकिन तार संचार और दूर संचार नहीं आएगा। और भारत में कोर उद्योग में कौन कौन शामिल है,
तो कोर उद्योग में विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम है, और इनमें सभी इसमें 8 होते हैं। कौन कौन? तो विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम है, उसके बाद में आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, रिफाइनरी है, खाद्य कारखाना यानी फर्टिलाइजर उद्योग और स्टील, सबके सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की काल थी, तो 10वीं, 11वीं और 12वीं, और 12वीं की बात तो पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। तो 10वीं का काल तो 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2017 और उसके बाद नहीं आया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम, तो भारत में बिहार का क्रम जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है। और किस राज्य का एक अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं मिलता है, बात पूछ रहा है, तो राजस्थान, बिहार, हरियाणा सब, और पंजाब, तो पंजाब का पाकिस्तान से मिलता है, हरियाणा का भी पाकिस्तान से, और बिहार का नेपाल से, लेकिन हरियाणा का कोई बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो बिहार से नेपाल की सीमा मिलती है। बांग्लादेश से नहीं, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं मिलती हैं। वहीं चीन से तो अब मिलेगा कौन कौन, तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर की ना मिलेगी, तो चीन से किसको मिलेगा अब, लद्दाख की सीमा मिलेगी। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद किसका नंबर आएगा, तो सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है। वहीं भूटान से, तो भूटान से सीमा मिलेगी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है। आगे बढ़ते हैं, शक्ति स्तर का संबंध है, तो शक्ति स्तर का संबंध ये इंदिरा गांधी से है। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्रम, तो बिहार का क्रम अब राज्यों में कितने नंबर पर है, पहले 13वें नंबर पर था, लेकिन अगर राज्य कह दिया जाए तो राज्य में बिहार का स्थान अब 12वें नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य न रहा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों कह दिया जाए तो बिहार से तो लगभग दोनों बड़े हैं, जम्मू कश्मीर भी और ये लद्दाख भी, तब 14वें नंबर पर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना कहिए, 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी, तो बिहार में महिला साक्षरता दर अभी भी कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला दर 50% पार कर गई थी, यानी 51.5% था। तो क्लियर हो गया, तो ये हम लोगों का जो 46वीं BPSC था उसका पार्ट 2 था। अब इसके बाद में हम लोग 47वीं BPSC में मिलते हैं, जो कब हुआ था, तो 47वीं BPSC 2005 में उसका एग्जाम हुआ था। तो अगले वीडियो में लाते हैं, तब तक धन्यवाद, और आशा करते हैं कि अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।